तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ हम सनसेट का बनाने वाले हैं इमेज, वो भी किससे, ऑयल पेस्टल से। ऑयल पेस्टल का एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था और ये मेरा दूसरा वीडियो है आई थिंक आई ऑयल पेस्टल का। और ये हम बनाएंगे सनसेट का। मैंने ब्लू कलर और बैक ब्लू और वायलेट इसलिए यूज़ किया यहाँ पर क्योंकि इससे थोड़ा नाइट का सीन हमें मिलेगा। इससे हम पहले इसे अच्छी तरह से कलर कर लेते हैं। वैसे तो ये एक सीनरी है, इमेज भी कह सकते हैं, है तो सीनरी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं इन दोनों कलर को आपस में एक साथ मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करते समय हमारा अगर लाइट ज़्यादा लाइट कलर कर, जैसे इस पर अगर मैं वाइट करती तो हमारा वाइट कलर और डर्टी हो जाता, गंदा हो जाता, तो हम उसे सफ़ा करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्लीन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसके बाद फिर रेड कलर को लिया है। भूल गई थी फ्रेंड्स, सॉरी। हाँ, तो मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि सन के लिए मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल टेप होता है उसी को राउंड शेप में कट करके यहाँ पे लगाया है, जिससे कि हमारा कलर वहाँ पे ना पहुँचे और वहाँ पे वाइट स्पेस रहे। हम पहले यहाँ पे सारा कलर, जितना भी हमने कलर इसमें वॉश करना है, जितना कलर हमें इसमें लगाना है इस हमारे इस सीनरी में, उसमें सब हम पहले कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसको टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको हम पूरा इस सारे कलर को एक दूसरे में मर्ज करेंगे और उसके बाद फिर आगे का स्टेप हम करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। और इसके साथ साथ मैंने वाटर कलर ट्यूटोरियल भी डाल रखा है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। और मेरे चैनल बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे सारी वीडियो आप टाइम पर पा सकते हैं। और जिससे आपको ड्राइंग के इम्प्रूव करने में, अगर आप एक इंस्पायरिंग आर्टिस्ट है, अगर आप एक बिगनर हैं, तो आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल सकता है। ऐसा मैं भी चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिले और आप आगे बढ़ते रहें। अब हमारा कलरिंग स्टेप हो गया और अब हम टिश्यू पेपर के मदद से इसको पूरा ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग समझ लीजिए, इसमें तो ब्लेंडिंग हो रहा है, तो हम ब्लेंड करेंगे और सारे कलर को मिक्स करेंगे साथ में। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ये हमारा ऑयल पेस्ट ट्यूटोरियल है। मैंने वाटर कलर का ट्यूटोरियल भी डाल रखा है अपने उसमें, और शेडिंग के लिए भी मैंने डाल रखा है। और आप कहेंगे तो फिर हम पार्ट बाय पार्ट शेडिंग के, मतलब पार्ट टाइप्स ऑफ शेडिंग्स, स्केचिंग वीडियो भी मैं आपको डालूँगी, जिससे आपको और हेल्प मिले अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने में। मैं इस वीडियो को फास्ट करके भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया जिससे आपको इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आए कि क्या कहते हैं, हमें किस तरीके से मर्ज करना चाहिए, सब कलर को किस तरीके से ब्लेंड करना चाहिए। और अगर मैं इस वीडियो को फास्ट कर देती तो आपको वीडियो बस आपको ये अच्छा लगता, ये मेरा सीनरी
जो ऑयल पेस्टल बना रहे हैं लेकिन आपको आ ना पाता, तो ये ट्यूटोरियल टाइप से, इसीलिए यहाँ पे मैंने तो आप देख सकते हैं अगर मैंने थोड़ा लाइट कलर किया होता, मतलब ज़्यादा उसमें प्रेशर लगा होता तो लाइट में हो जाता, लेकिन थोड़ा यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डाला है इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से मर्ज करने के लिए मैं थोड़ा प्रेशर का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ इसमें। तो आप सभी इसको चीज़ को देख ही सकते हैं, इसको इस वीडियो को पूरा देखिए, एनालाइज करिए और बहुत सीखिए। मेरा हाथ कैसे रुक गया? चलिए चलिए शुरू हुआ कम से कम। क्या शुरू हुआ? मेरा हाथ शुरू हुआ काम करना। Sometimes my videos vibrate। लगता है कि इस एरोप्लेन ने आके इस वाइब्रेशन को उड़ा ले गया। आपको ही मजा आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसमें कुछ वाइट कलर से क्लाउड का इसमें इमेज देंगे, क्लाउड का इफेक्ट डालेंगे। आपको मेरा ये कलर छोटू सा नन्हा सा प्यारा सा मिनी कलर कैसा लगा आप मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे ये ज़्यादा बुरा नहीं है बट बेचारा टूट गया, सिर्फ वाइट के साथ ही ऐसा हुआ। बेचारे के साथ हमेशा ऐसा होता है वाइट के साथ। तो अब हम इसमें कुछ स्टार्स बना देते हैं पेन से। तो हमारा स्टार बन चुका है। अब हम वाइट एक्रेलिक से इसमें पानी का रिफ्लेक्ट, मतलब जो सन का रिफ्लेक्ट होता है, तो वो वाइट एक्रेलिक से यहाँ पे दे रहे हैं। मेरा एक्रेलिक थोड़ा सूख गया था तो इसमें थोड़ा वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, इतना प्रॉब्लम नहीं है कोई। मैंने जो यहाँ पे टेप लगाया था अब उसे हम निकालने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, मैंने ये गोला टेप का टेप से लगा के उसे जगह छोड़ने का एक्सपेरिमेंट पहली बार किया था, तो इसीलिए गोला अच्छे से बन नहीं पाया था, राउंड मतलब उसका शेप टेप का। तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होता, मैं इसमें फिर वाइट एक्रेलिक से उसे पूरा राउंड कर देती हूँ, उसके शेप को सही कर देती हूँ। वैसे भी एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट ही होता है ना। और अब हम यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक से यहाँ पेड़ और पहाड़ बनाएंगे। मैंने यहाँ पहाड़ का पहले आउटलाइन दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम पेड़ बना रहे हैं। और ये पेड़ हम लोग ज़्यादा मोटा या फिर उसका ट्रंक ब्रांचेस ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाएंगे और लीफ भी ज़्यादा मोटे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें बैकग्राउंड को ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि ऑयल पेस्टल वाला है, ऑयल पेस्टल पेंटिंग है, तो इस वजह से हमें बैकग्राउंड पर ज़्यादा फोकस करना है। और ये तो अलंकार जैसे होते हैं ना, उसी टाइप से ये पेड़ और पेड़ भी होते हैं, जैसे वो अलंकृत कर देता है हमारी ड्राइंग को, मीन्स ज्वेलरी पहना देता है।
और हाँ, मैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना भूल गई थी कि मैं एक ब्लॉग डालने वाली हूँ, और उस ब्लॉग में मैंने अमेज़ॉन से कुछ ड्राइंग की कुछ बहुत ही अच्छी किट मंगवाई है। तो अगर आप उस वीडियो को देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट करिएगा। और वो ब्लॉग ट्यूसडे को होने वाला है, इसी ट्यूसडे को, आई थिंक उस दिन 29 मार्च है। तो फिर आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। आपको इस वीडियो का शॉर्ट्स भी मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे जाके आप मेरे चैनल को विज़िट करिएगा और आप वहाँ पे शॉर्ट्स में पा सकते हैं, और आपको इसके साथ साथ और भी शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आप अगर चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पेंटिंग पूरी हो गई है, इसका टेक्सचर देख लीजिए अच्छे से। आपको बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और आप भी ऐसे ही ड्राइंग की वीडियो देख के आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी एंड ट्विटर आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको मेरे ऑयल पेस्टल वाले का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो मैंने और बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, थैंक यू वेरी मच अगेन।